आज के दिन शजरकारी के हवाले से एक मुहिम जो शुरू हुई है पूरे पाकिस्तान में, और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का भी इनिशिएटिव था, तो इस सिलसिले में आज के दिन सिर्फ तकरीबन 80,000 पौधे पूरे बलूचिस्तान में लगाए जाएंगे एक दिन में आज। और जो प्लान है हमारा तकरीबन वो इस सीज़न में कोई 12 लाख का है कि 12 लाख फ़ौरन हम इस सीज़न में पौधे और दरख्त लगाएंगे बलूचिस्तान में। ये पूरा प्रोग्राम जो है ये तकरीबन 5 साल पे इसका एक एक्सटेंशन है, जिसमें तकरीबन मेरे ख़्याल कोई पच्चीस करोड़ तकरीबन दरख्तों का है जिसका लगाने का है, और एज़ पर रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ स्पीशीज़ के हवाले से है। तो एक मुहिम है, इसमें गवर्नमेंट कुछ और प्लान्स भी कर रही है। एक तो नॉर्मल है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में हर इलाकों में स्कूल्स में लोग हैं ये शजरकारी मुहिम में हिस्सा लें एज़ अ इन्वायरमेंटल फैक्टर, एज़ अ गुड जेस्चर। ये हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, लेकिन इसको थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में ले जाने के लिए भी ज़रूरत है, और ख़ासकर जो कॉन्क्रीट स्कीम्स हैं जिनके तहत हम इसको पूरे बलूचिस्तान में फैलाना चाहते हैं, और ख़ासकर उन इलाकों में जहाँ पे पानी के हवाले से कई अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, जहाँ कहीं बारानी बहुत ज़्यादा मौसम बेहतर है, ख़ासकर मूसा खेल और इन इलाकों की तरफ। और बहुत सारे ऐसे इलाके भी बलूचिस्तान में हैं जहाँ पे शजरकारी करना बहुत मुश्किल है, लेकिन वहाँ अल्टरनेट स्पीशीज़ जो तकरीबन कम पानी के हवाले से या कम बारिशों पे भी उग सकते हैं। तो एक ओवरऑल स्कीम है, इस पर तकरीबन गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, और अपने कैबिनेट में हालिया में आपने देखा होगा कि हम जो फॉरेस्ट्री का जो हमारा एक्ट है जो कि बहुत पुराना है, जो जिसको तकरीबन मेरा ख्याल 1800s में इनिशिएट किया गया था, पर तकरीबन 1970 के बाद उस पर कोई ख़ास पेशरफ नहीं हुई, यानी कि तकरीबन 100 साल का अरसा भी गुजर चुका है, लेकिन हम इन्वायरमेंटल और फॉरेस्ट्री में अभी तक ये बात तय नहीं कर पाए कि हमें करना क्या है। लेकिन इंशाल्लाह 2019 में जो हम एक्ट ला रहे हैं अब पूरे कॉम्प्रिहेंसिव है, और ये एक्ट बहुत अरसे बाद आ रहा है, और इंशाल्लाह इसको हम इनिशिएट कर रहे हैं, जिसमें हम पूरा एक प्लान देंगे कि हमें इस पूरे शजरकारी में इन्वायरमेंटल फैक्टर को मद्देनज़र रखते हुए फॉरेस्ट्री को बलूचिस्तान में किस तरह के बढ़ाना है, और कौन कौन सी चीज़ों की तरफ जाना है जो यहाँ के ओवरऑल इन्वायरमेंट को अच्छा इम्पैक्ट भी दें, और ज़रूरत के हिसाब से भी एक प्रॉपर साइज स्कीम हो। साहब, हर साल लाखों दरख्त लगाए जाते हैं लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आते या उन पर तवज्जो नहीं दी जाती, तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट का इतना पैसा भी ज़ाया होता है, तो आप इस स्कीम को किस तरीके से कामयाब कराने की कोशिश करें? देखिए, बलूचिस्तान बहुत बड़ा है और वह हर दरख्त पर नज़र रखना बड़ा मुश्किल होगा, ना आपकी पहुँचेगी ना हमारी पहुँचेगी, लेकिन ये एक सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी तरफ स्लोली एंड ग्रेजुअली ले जा रहे हैं। माजी में अमूमन क्या हुआ है कि शजरकारी हुई है, जिस तरह आज यहाँ एक दरख्त लगा दिया गया, इसी तरह बहुत सारे आपको दरख्त माजी के सीएम्स के इसी तरह नज़र आएंगे, इसी तरह आपको मिनिस्ट्रान के नज़र आएंगे, इसी तरह सोशल स्कूल्स में नज़र आएंगे, ये है हर जगह मौजूद है। लेकिन जो तरतीब अभी हम जिसको थोड़ा सा डिफरेंट करना चाह रहे हैं कि बलूचिस्तान में पैचेस बनाने की ज़रूरत है, कि हम एज ए स्कीम इसको लाएँ कि 100 एकड़ का 200 एकड़ का एक इलाका है, उस पर बाकायदा आप एक फॉरेस्ट्री का प्लान करें, प्रॉपर फॉरेस्ट्री वहाँ लगाई जाए, उसकी मेंटेनेंस हो, वहाँ का एक सिस्टम हो। अभी वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि माजी में मैंने लगाया, आपने लगाया, इदारों ने लगाया, कहाँ लगाया, किस तरह लगाया, कोई कॉन्क्रीट नज़र नहीं आता, लेकिन हमारा इस साल का जो प्लान वो यही है कि हम बाकायदा इसको पैचेस में लगाएंगे, एक तरतीब से एक एरिया में लगाएंगे ताकि उसका इम्पैक्ट भी अच्छा हो और नज़र भी सही तरीके से आए। सर, दुनिया की तमाम ममालिक में क्लाइमेट चेंज पर काम